वही गाइस, क्या हालचाल। तो मैं हूं आपका यार पॉकेट यूनिवर्स एक्स, और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट हार्ड वर्किंग बेबलेटर्स ऑफ बेबलेट से ऑल सीरीज। सारे बेबलेट की जितनी भी सीरीज अभी तक आ चुकी हैं, उनमें से 5 ऐसे बेबलेट निकाले हैं मैंने जो अपने हार्ड वर्क के वजह से आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। उनमें से ज़्यादातर बेबलेट उतने पॉपुलर नहीं हुए हैं, पर वो भी पॉपुलर हुए हैं। पर एक बेबलेट डर ऐसा है जो इतना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, उस पर बहुत सारे वीडियोज भी बन चुके हैं, वाई ही इज सो पॉपुलर। कौन सा बेबलेट है वो तो बताऊंगा ही, और सब पूरी लिस्ट जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर से करना होगा। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी लिस्ट के जो 5वें नंबर पे बेबलेडर आता है 5th नंबर पे, उसका नाम है फुबुकी सुमिए। फुबुकी सुमिए एक ऐसा बेबलेडर जो सिर्फ अपने मेहनत के दम पे, अपने हार्डवर्क के दम पे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया उसने। उसके फुबुकी सुमिए के बेबलेड का नाम है एम्परर फॉर्नियर। बहुत अच्छे बेबलेडर है, और वो सिर्फ हार्डवर्क के कारण ही इतना ऊँचा पहुँच चुका। जैसे कि आप जानते हो कि वो स्टूडेंट रह चुका है शुभ कुरनाइक का, और बेबलेड फर्स्ट एवोल्यूशन के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि उसने शुभ कुरनाइक से बैटल करने के लिए बोला था। तो 5वें नंबर पे था हमारा बेबलेडर फुबुकी सुमिए। और अब 4th नंबर पे हमारा बेबलेडर आता है, तो 4th नंबर पे जो बेबलेडर आता है हमारे लिस्ट में, उसका नाम है किटलोक, जो कि इंडिया में रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया गया है। बेबलेड बस्ट टर्बो के न्यू एपिसोड्स में वो हमें इंट्रोड्यूस कराया गया। इसके बेबलेड का नाम है एयर नाइट, और इसने वॉल के साथ और फ्री जैसी ट्रेनिंग ली थी। बड़ी बड़ी ट्रेनिंग आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो मेरा AMV जाके देख लो। उसका AMV बना रखा है मैंने, 40th वीडियो का पूरा किट लोपेस के थंबनेल के साथ आपको वो मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा तो। नहीं तो आप देख सकते हो बेबलेड बस टर्बो, जब आएगा तो न्यू एपिसोड निकल चुके हैं। तो 4th नंबर पे बेबलेड था किट लोपेस, और इसने बहुत कड़ी ट्रेनिंग की थी फ्री की तरह, और वॉल्ट से भी इसने ट्रेनिंग ली थी। तो 4th नंबर का बेबलेड था किट लोपेस। हर नंबर के बेबलेड डर के पास जाने से पहले, अगर आपको मेरी एडिटिंग थोड़ी ख़राब लग रही हो तो फिर मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं पहली बार लिस्टिंग वीडियो को एडिट कर रहा हूँ। तो 3rd नंबर का जो बेबलेडर आता है वो आता है केंटा सुमिए। केंटा आता है, जिसने अपने हार्डवर्क के दम पे, उसकी एज और हाइट में वो सबसे छोटा है, बट उसने रायुका जैसे बेबलेडर को टक्कर दी। रिजी जैसे खतरनाक बेबलेडर से इतनी ज़्यादा देर तक लड़ा, तो केंटा हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पे आता है। उसके बेबलेड का नाम है सेजिटेटर, जो कि बहुत स्टैमिना टाइप बेबलेड है और काफ़ी देर तक घूमता है, और उसने अपनी मेहनत के दम पर बहुत आगे तक बढ़ा। बैटल ब्लेडर्स में गया, बहुत सारे कॉम्पिटिशन लड़े, बहुत सारे टफ ब्लेडर्स को भी हरा। तो 2nd नंबर पर जो हमारा बेबलेडर आता है वो आता है शुक्रनायक। अब आप सब लोगों के मन में चलने लगा होगा कि शुक्रनायक तो इतना हार्डवर्क करता था, तब पर भी वो 2nd नंबर पर आया, तो 1st नंबर पर कौन सा बेबलेडर होगा। तो उसके लिए आपको वो तो मैं बताऊँगा 1st नंबर पर कौन सा बेबलेडर है। उससे पहले बात करते हैं शुक्रनायक के बारे में। शुक्रनायक का बेबलेड है स्टॉर्म स्प्राइज, बैलेंस टाइप बेबलेड है, लेजेंड फ्राइजन स्पाइजन है, QM वर्ल्ड स्प्रेगन, टर्बो स्पाइजन वर्ल्ड स्प्रेगन, और उसका लेटेस्ट भी है एस्ट्रल स्पाइजन। शुक्रन है वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग बेबलेडर है पूरे बेबलेड सीरीज का, शुरुआत से लेके ओरिजिनल से लेके बर्ज तक का। बहुत ही वो है हार्ड वर्किंग बेबलेडर है, उसने अपने सिर्फ हार्डवर्क के दम पे इतना मुकाम हासिल किया कि आज वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बेबलेडर माना जाता है। तो शुक्रनायक के फैंस हेट मत लेना, मैं शुक्रनायक ने ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने मेहनत नहीं की, शुक्रनायक ने मैं भी उसकी मेहनत से दाद देता हूँ। तो शुक्रनायक बहुत मस्त बेबलेडर है, मैं तो कहता हूँ बहुत पॉपुलर बेबलेडर है। तो अब बात करते हैं नंबर 1 बेबलेडर की। तो 1st नंबर पे जो हमारा बेबलेडर आता है वो आता है क्यूया टाटागामी। तो आप जैसे जानते हो कि डोजी ने उसे जिंगा से हारने के बाद डोजी ले गया था, डोजी से लड़ाई करने के बाद जब वो डोजी से हार चुका था, डोजी उसे ट्रेनिंग दे रहा था, उसने बहुत ट्रेनिंग की थी और उसे वुल्फ कैनियन में भी छोड़ दिया था। तो वो बहुत ज़्यादा उसने वहाँ पर ट्रेनिंग की थी, भेड़ियों से भी लड़ा था वो, ठीक है। उसने
से उसमें बहुत सारी ताकत की आ गई थी। फिर आपने बेबलेड मेटल मास्टर में देखा होगा कि वो तूफान से लड़ गया था, ठीक है, तूफान को एक पूरे टोर्नेडो को उसने चीर के रख दिया था। तो इस हिसाब से समझ सकते हो कितना हार्ड वर्किंग बेबलेड है कियोया टाटागामी शुकुनाई जितना ही है। बट मैं उसकी जो नेचुरल ट्रेनिंग है उसके बेसिस पे मैं उसे रखना हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर वीड करेक्टर्स के बारे में नहीं बता रहा। तो होप करता हूँ आज ही आपको ये मेरी छोटी सी लिस्ट, अगर आपको अपनी लिस्ट कमेंट में जरूर से बता देना। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपनी किसी और वीडियो में। जाने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि हम ऐसी और भी वीडियो लाए तो आपको पास नोटिफिकेशन से सबसे पहले जाए और आप उसे सबसे पहले देख सको। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।